ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने दो अंडे ब्रेक किए डालूंगी। ठीक, ये हमने इसके अंदर छन्नी में लेके करना है, यूं यूं करके स्प्रिंग करना है। ये टेबल से टॉस करेंगे ठीक, ताकि बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाए। नाप निकाल दे ठीक, हल्के हल्के से उठा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूं शायद, और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अपना टाइम बचाते हैं और पूछते हैं शायद से कि शायद के किचन में क्या धमाल हो रहा है। आज हम बना रहे हैं जिंगर फ्राइज, जो कि बहुत ही जबरदस्त और यूनिक होने वाले हैं। ये मेरे को हुसैन बहुत स्पेशल जगह पे लेके गए थे और उन्होंने खिलाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी ये रेसिपी दूं। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ, तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छी रेसिपी यूनिक से देती हूँ। हाँ, बस हमने इसे कट करना है और पहले ही हमने धो लेना है, वॉश कर लेना है उसको, अच्छे से कपड़े से जर्ब कर लेना है। उसके बाद ड्राई करने के बाद हमने इस तरह के पीसेस कर लेना है। ठीक है, जब हमने इस तरह के पीसेस कर लिए हैं तो फिर उसके बाद हमने क्या क्या सामान लेना है वो मैं आपको, ये बॉइल किए हुए नहीं है, सिर्फ मैंने इनको वॉश करके ड्राई करके कट करा है सिर्फ और ये भाजी। हाँ, बॉइल नहीं किए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बॉइल किए कुछ भी नहीं करना है, ना हमने बॉइल करना है, ना हमने फ्रिज में रखना है, कुछ भी नहीं करना। तो बस फटाफट झटपट बनने वाले हैं, तो हमने इस तरह कट कर लेना है। उसके बाद हमने एक कप मैदा लेना है, दो अंडे लेना है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चे लिए, नमक लिया 1 टीस्पून, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, जीरा 1 टीस्पून लिया है, चिकन पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो ये सब, ये क्या, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो ये सब क्या करना है, हमें किस तरह करना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। व्यूअर्स, ये मैंने दो अंडे ब्रेक किए और अब मैं इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, और यकीन करें इतने जबरदस्त क्रम्स बनेंगे ना कि आप शायद जिंगर को भी भूल जाएं। शायद आपने बिल्कुल उस ढाबे वाले स्टाइल में बनाया था हाईवे के, जी हाँ, जो मैंने आपको खिलाए थे। अच्छा, ये हमें इस तरह करके स्प्रिंग करके डालना है नमक को। ठीक है, इसी तरह हमने धनिया पाउडर भी डालना है ताकि अच्छे से ना सारे मसाले ठीक सब जगह में आ जाएं। सही बात है, तो हमने तो इसको 2 मरतबा ट्राई भी कर लिया है। जी हाँ, और बिल्कुल वही रेसिपी है शेष जी। मैंने कहा क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को भी देखती उनके साथ शेयर करें, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, है? जी बिल्कुल, आपको हर तरह की इस तरह अच्छी अच्छी यूनिक और झटपट बनने वाली रेसिपियां मिलती रहेंगी आपको। ठीक, इंशाल्लाह। तो इस तरह क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ठीक है, यूं यूं करके स्प्रिंग करना है। ठीक, ये टेबल इसकी है जी। जब हम ये कर लेंगे ना थोड़े से स्प्रिंग, तो फिर हम इसे हाथों की मदद से टॉस करेंगे। ठीक, ताकि बहुत अच्छे से क्रम बन जाए। ठीक, ये जो अंडा है वो भी मिल जाएगा, मसाले भी इसके अंदर मिल जाएंगे और क्रम्स वगैरह भी बहुत जबरदस्त, मजा आने वाला है। बस बिल्कुल बस जैसे ही बनेंगे वैसे ही झटपट खत्म होते हैं। अच्छा शायद इसको बॉईल नहीं करा आपने, सबसे बड़ा कमाल देखा। कुछ भी नहीं करना है, सबसे मजेदार तो बात यही है ना। सही बात कि ना हमने फ्रिज में रखना है, ना बॉईल करना है, ना कुछ करना है। बिल्कुल, ये तो हमारा टाइम बच गया है करना है। ठीक शायद तबियत सही नहीं है आपकी। जी हाँ, बस यही मौसम के लिहाज से जी, लेकिन ये टॉस करते जाना है तो यकीन जाने के बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। और इसी तरह करिएगा आप लोग, इसके एक साथ नहीं करना है ना जी, तो क्रम्स आपके बहुत जबरदस्त बनने वाले हैं। सही है। अच्छा, इसको कितनी देर के लिए रखना है शेष? नहीं, बस ये करते ही ना फौरन हमने फ्राई करना है। और जो जीरा मैंने साबुत डाला है ना, उसके वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, जब आप लोग खाएंगे मुंह में आएंगे तो बहुत मजे के लगते। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा ऑयल रेडी हो गया है। तो ये मैंने जैसे ही इसके अंदर मैंने क्रम बनाए तो फिर फौरन ही हमने क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है, फौरन ही ना डालना है। ठीक, और मीडियम टू लो फ्लेम में करना है। ठीक, मीडियम टू लो में है जब जी। तो ये जल्दी जल्दी डाल देना है इसके अंदर। और अच्छा, बहुत सारे साथ डाल सकते हैं? नहीं, थोड़े थोड़े से करके डाल रहे। अच्छा, इसके साथ ना छेड़छाड़ नहीं करनी, उसे नाप डाल दे हल्के हल्के से उठा के। और इसके 3 मिनट तक हमें इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी। सही है, क्योंकि फिर क्रम टूटने का खतरा होगा। अच्छा, ये डालने को हम एक साथ भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाल रहा वो, फिर मजा नहीं आएगा, आपके वैसे नहीं बनेंगे जैसे आप हम जैसे चार ये शेयर। जी हाँ, ठीक है। हालांकि डालने को हम भी एक साथ डाल सकते थे। जी हाँ, बस काफी है जी, जितने पैन में आए बस उतने ही। जी, इससे ज्यादा नहीं करें क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगी। ओके जी, बस बस। ओके, तो देखें भी बस
कितने क्रिस्पी हैं और कितने करारे, एक खाते ही ना बस बिल्कुल जाते जाएंगे और खत्म होते जाएंगे। जिंगर फ्राइज है शेफ जी? हाँ, आप जिंगर भी भूल जाएंगे इतने। देखिए क्रम्स कितने अच्छे हैं इसके पास। कलर देखिए आप कितना नेचुरल है, ना डल है ना गोल्डन ज्यादा है शेफ जी। हाँ, और ये बस समझ ले बस निकले और खत्म। सही बात है, ये इस तरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ये भी इसी तरह पसंद किए जाएंगे, जैसे ही आप लोग फ्राई करेंगे उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। चले अभी आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, एक फ्रेम खत्म हो चुका है, ये सेकंड है। हाँ जी हाँ, सेकंड बैच है और एक बैच बैच खत्म हो गया है, एक बैच खत्म हो गया है जनाब। और चट्टियाँ भी चटपुच गई हैं थोड़ी सी, हमने वीडियो के लिए रखी है बता के। और ये अच्छा, इसका कलर यही होना चाहिए जी हाँ। और इसके कुकिंग टाइमिंग पता है, इसके 8 मिनट होने चाहिए, 8 मिनट लाजमी दिएगा इसको आप लोग, ठीक है। और देखिए ना, हमारा ऑयल खराब हुआ ना, हमारा क्रूम उतरा, सब कुछ बहुत अच्छा सा और जबरदस्त बना है। ये देखिए जरा, बस ये इंशाल्लाह कि ये फटाफट इसके हम आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी इतनी अच्छी सी रेडी हुई है, बहुत जबरदस्त प्राइस है कि बस ये बनती है और खत्म होती है बस। अच्छा, दो खेन खत्म हो चुके हैं, ये देखिए चटनी भी खत्म हो चुकी है, पूरा बॉक्स भर के बनाई थी, एक मैंने रखी हुई है स्टॉक में और ये मैंने वीडियो के लिए बचा के रखी हुई है। बिल्कुल, वरना ये भी फिनिश हो जाती। और ये मैंने केचप बनाए हुए, ये भी इसकी रेसिपी भी है, मैं इसमें लिंक डाल दूंगी आपको। हाँ, इसके तो दे चुके हम लोग कई जगह। ये केचप भी हमारे स्टोर रहता है और ये ग्रीन चटनी तो फेवरेट है, यानी कि हर चीज के साथ पसंद की जाती है। और ये ग्रीन रायता, और इसके ऊपर अगर आप चाट मसाला डाल के खाएं तो क्या धमाल है। और बस आप फिंगर पीछे, इसके इजाजत है जी आप, रमेश शेफ ने इजाजत दे दी है। तो ये चाट बहुत ही स्पेशल बनाती है, इंशाल्लाह चाट की भी शायद इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आने वाली है, चाट की भी इंशाल्लाह। आप ब्रांड के सारे भूल जाएंगे चाट, जब ये चाट डलेगा तो बस। और ये ग्रीन चटनी उफ खत्म है शायद जी हाँ। बिल्कुल, तो आप ट्राई करें थोड़ा थोड़ा सा करते हैं ट्राई। बाकी ये है कि बहुत हॉट हो रहे हैं, तो और अगर आप कहती हैं तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। अभी तो वैसे बिहाइंड द सीन तो हम खा ही चुके हैं काफी सारा है, लेकिन ये कि एक बार और इस खेन के बारे में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम हो रहा है शेज ये तो। ओहो ओहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखते हैं ये कैसा है, मैं तो खा चुका हूँ फिर भी आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कितने क्रिस्पी और जबरदस्त हैं, इसकी आवाज देखे आप, इन सब की आवाज ऐसी होगी कोई सा भी आप उठा लें। और ये यकीन करें कि मैं क्या बताऊं कि बस बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, मैं आप लोग को एक बता दूं, हालांकि बताना नहीं था, लेकिन शायद जो है इसी टाइप की एक विंग्स की बहुत अच्छी रेसिपी जल्दी देने वाली है। मैंने कहा चलो बता दूं, एक आदमी का जहन बना रहता है, दिल लगा रहता है, तो आपको विंग्स जो है ना वो समझ लें आउट क्लास होंगे, वो भी बस खाते चले जाएं इसी तरह। वो विंग्स ऐसे होंगे कि अगर शाम में या कोई आपके गेस्ट आ गए तो वो आपने फ्राई करके दे दिए, उसमें हाथ नहीं रुकता है। नहीं, उसमें हाथ नहीं रुकता, अभी तो जबान मजे ले रही है। लेकिन विंग्स ऐसे होंगे इंशाल्लाह जब आपके घर में बनेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ब्रोस्ट अपनी जगह है, यकीन करें ब्रोस अपनी जगह, जो विंग्स होंगे ना वो चिकन के आउट क्लास होंगे। तो शेयर क्या कहती हैं इसके बारे में, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, तो हमें आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह देते रहे। बिल्कुल, और बस मजेदार आपकी लाइक हमारा हौसला होती है जी हाँ। बिल्कुल, आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है इससे, और हम बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए और इससे ज्यादा अच्छी मजीद इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियो बना के पेश करेंगे आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।